शपथ लेंगे राष्ट्रपति भवन में। कार्यक्रम की भव्य तैयारी है, राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह होना है और उसके साथ साथ मोदी कैबिनेट के जो मंत्री होंगे वो भी शपथ लेंगे। तो आज एक बार फिर से जो इतिहास है वो रचने जा रहा है। तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी शपथ लेने जा रहे हैं, नेहरू की बराबरी करेंगे इस बार नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेकर के। तो शाम 7:15 से इस समारोह की शुरुआत हो जाएगी, शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो जाएगी और इसकी भव्य तैयारी जो है वो की गई है। और इससे पहले जो संभावित मंत्री हैं उनके साथ एक बैठक भी हुई नरेंद्र मोदी की, जहां पर पीएम हाउस उनको न्योता दिया गया था, चाय पर चर्चा की गई। और इस समारोह की अगर बात करें तो यहाँ पर कई विदेशी जो मेहमान हैं, पड़ोसी राज्यों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो भी मौजूद रहेंगे और इस पल का गवाह बनेंगे। तो देखिए आम से खास तक की जो मौजूदगी है वो होगी, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि जो सेंट्रल विस्टा के कामगार हैं उनको भी दिया गया न्योता। और ये तस्वीरें अच्छी तस्वीर और आपको हम जोड़ रहे हैं जहाँ श्रीलंका के राष्ट्रपति पहुंचे हैं और देखिए कैसे भारतीय संस्कृति परंपरा के साथ उनका स्वागत किया गया है। इसके साथ साथ दिल्ली शेख हसीना आई हुई है और शेख हसीना की अगर बात करें तो वो कल ही पहुंच चुकी थी, उनकी तस्वीर आपको दिखा रहे। साथ ही मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं उनकी भी मौजूदगी आज की इस समारोह में होने जा रही है। इसके साथ साथ दिल्ली में मॉरिशस के पीएम की भी मौजूदगी है जो इस शपथ ग्रहण समारोह का गवाह बनेंगे। भूटान के पीएम की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां दिल्ली उनकी मौजूदगी हो चुकी है और सेशंस के उपराष्ट्रपति भी पहुंचे हुए। तो ये ऐसे विदेशी मेहमान जो आज भारत की जमीन पर हैं वो आज दिल्ली में मौजूद है। और देखिए 8 तस्वीरें और जो संभावित मंत्री हैं जिनको जगह इस बार मोदी कैबिनेट में मिलने जा रही है। जीतन राम मांझी जो हमसे अकेले चुनाव लड़े, अकेले जीत करके आए और देखिए मोदी कैबिनेट का हिस्सा ये बनने जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो है वो ललन सिंह की दिखा रहे हैं, ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और ललन सिंह की चर्चा लगातार हो रही थी जिसकी हम खबर भी लगातार बता रहे थे कि इस बार मोदी कैबिनेट में उन्हें जगह मिलेगी और आज वो शपथ ले सकते हैं। इसके बाद से चिराग पासवान है, JPRV की बात अगर करें तो 100% स्ट्राइक रेट इस बार रहा, इस बार 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटों पर जीत दर्ज की। और देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सबसे खास तस्वीर की, प्रधानमंत्री के तौर पर